नमस्कार दोस्तों दोस्तों प्रकृति कई तरह के अजूबों और रहस्यों से भरी पड़ी है। जीवों के इस विचित्र संसार में अनेक आश्चर्यजनक अजूबे भरे हैं, जो सदैव इंसान को आश्चर्यचकित करते रहते हैं। उन्हीं में से एक अजूबा है रंग बदलने वाले जानवर। कुछ जानवरों में रंग बदलने की कमाल की क्षमता होती है और यही रंग बदलने की क्षमता इन जानवरों को अपने शिकारियों से बचने में मदद करती है। आज हम 10 रंग बदलने वाले जानवरों के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रंग बदलने वाले जानवरों में सबसे पहला नाम आता है गिरगिट का। यह दुनिया भर में पाया जाता है। गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। गिरगिट अपनी आसपास के शिकारियों से बचने के लिए तो अपना रंग बदलते ही हैं, साथ ही साथ वे अपनी अलग अलग भावनाओं जैसे कि गुस्सा, डर, दूसरे शिकारियों को अपना मूड दिखाने और इस माध्यम से बात करने के लिए भी अपने रंग के साथ साथ अपना आकार भी बदलने में माहिर होते हैं। गिरगिट अपने शरीर को फैलाकर कभी कभी अपना आकार बड़ा भी कर सकता है अपने शिकारियों को धोखा देने के लिए। हम इंसानों और अन्य जानवरों में थोड़ा बहुत रंग का परिवर्तन आर्द्रता, प्रकाश और तापमान की वजह से होता है, परंतु गिरगिट रंग बदलने के लिए अपनी त्वचा में मौजूद एक खास तरह की कोशिकाओं की एक परत को इकट्ठा करता है। गिरगिट समय समय पर अपनी त्वचा को त्यागते रहते हैं। गिरगिट की आंखों की रोशनी कमाल की होती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गिरगिट सुन नहीं सकते। उनका शरीर आसपास से आने वाली आवाजों को पता लगाता है। गिरगिट को हम भले ही रंग बदलने में सबसे माहिर समझते हों, पर गिरगिट की सभी प्रजातियां खुद को हर रंग में नहीं बदल सकती हैं। दूसरा रंग बदलने में माहिर जीव है सुनहरे रंग का दिखने वाला एक कीट या कीड़ा, जिसे गोल्डन टॉर्टाइज बीटल कहते हैं। इसे गोल्डन बग भी कहा जाता है। यह खास तौर पर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। गोल्डन बग अपने आसपास के वातावरण में होने वाली कुछ खास घटनाओं के कारण रंग बदलते हैं, जैसे जब कोई इंसान इन्हें छूने की कोशिश करे या जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ये खुद को सुनहरे नारंगी रंग में बदल देते हैं, या फिर जब गोल्डन बग संभोग कर रहे होते हैं तो उत्तेजित होने के कारण खुद को चमकीले लाल रंग में बदल देते हैं। कई बार ये पेड़ की पत्तियों में इस तरह मिक्स हो जाते हैं कि उनके शिकारी उन्हें ढूंढ ही नहीं पाते हैं। अगला रंग बदलने वाला जीव है मिमिक ऑक्टोपस, जो कि एक समुद्री जीव है। मिमिक ऑक्टोपस आमतौर पर प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे बुद्धिमान जलीय जीवों में से एक माना जाता है। यह स्वयं को किसी भी परिवेश में ढालने के लिए या अपने शिकारियों से बचने के लिए अपना रंग बदलने में माहिर होते हैं। मिमिक ऑक्टोपस की और एक खास विशेषता यह भी है कि वे किसी भी जानवर की नकल करके उन्हीं के रंग में खुद को बदल सकते हैं। ये अन्य समुद्री जीव जैसे जेलीफिश, स्टिंग्रेज, समुद्री सांप, समुद्री शेरनी आदि की भी नकल कर सकते हैं और अपने शरीर के आकार को बदलने के साथ उनके रंग के अनुसार खुद को बदल सकते हैं। त्वचा के रंग में परिवर्तन करने की यह अद्भुत क्षमता उन्हें अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल होने में मदद करता है। अगला रंग बदलने वाला जीव है पैसिफिक ट्री फ्रॉग। यह आमतौर पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर पाया जाता है। यह मेंढक की ही एक प्रजाति है। इन्हें ट्री फ्रॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जमीन पर रहने के साथ ही साथ पेड़ों पौधों पर भी रह सकते हैं। ट्री फ्रॉग के पैर चिपचिपे होते हैं और उनमें एक खास तौर का पैड होता है जो उन्हें पेड़ों और पौधों पर चढ़ने में मदद करता है। ये अपने रंग बदलने की क्षमता को अपने शिकारियों जैसे रैकून, बुल फ्रॉग, सांप, बगुला आदि से बचने के लिए एक हथियार या रक्षा तंत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। ट्री फ्रॉग अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल सकते हैं। ये मौसम और तापमान के अनुसार भी अपना रंग बदल सकते हैं। जैसे जब तापमान अधिक होता है तो ये पीले रंग में बदल जाते हैं। हालांकि ये आसानी से हरे, टैन, लाल, भूरे रंग सहित कई रंगों में खुद को बदल सकते हैं। इन्हें रंग बदलने के लिए कम से कम 1 से 2 मिनट का ही समय लगता है। अगला रंग बदलने वाला जानवर है सीहोर। सीहोर एक समुद्री जानवर है जो समुद्री घोड़े या सी हॉर्स जैसा दिखाई देता है। सीहोर एक कांटेदार जीव है। इसे भी रंग बदलने में महारत हासिल है। यह समुद्र के शिकारियों से बचने के लिए अपना रंग बदलते हैं, साथ ही साथ अपने अलग अलग भावनाओं को दिखाने व संभोग के समय या उत्तेजित होते समय भी अपना रंग बदलते हैं।
सीहोर रंग बदलने में कितना समय लेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय उसके आसपास के वातावरण की स्थिति कैसी है। जैसे जब कोई शिकारी उस पर हमला करने वाला हो तो यह अपना रंग बहुत ही तेजी से बदल लेता है, परंतु जब यह संभोग की अवस्था में होता है तो यह अपना रंग धीरे धीरे बदलता है। अगला रंग बदलने वाला जानवर है ध्रुवीय लोमड़ी। ध्रुवीय लोमड़ी विशेष तौर पर आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती है। यह लोमड़ी मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलती है। सर्दियों में इस लोमड़ी का रंग सफेद होता है, जो इन्हें सर्दियों में चारों तरफ फैली बर्फ की चादर में छिपने में मदद करता है, और गर्मियों में इसका रंग हल्का भूरा होता है, जिससे ये चट्टानों के रंग में मिल जाती हैं, जिसके कारण ये अन्य जानवरों का शिकार बनने से बच पाते हैं। ध्रुवीय लोमड़ी -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी बर्दाश्त कर सकती है। अगला रंग बदलने वाला जीव है एक समुद्री जीव है, मॉन्कफिश। यह एक मछली है। वैसे तो यह मछली कुछ खास नहीं दिखती, परंतु इस मछली में रंग बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। यह समुद्र के तल से चिपक कर रहती है, जिसकी वजह से इसके शिकारियों को ऐसा भ्रम पैदा होता है कि वह समुद्र तल है, क्योंकि यह मछली समुद्र के तल जैसी ही दिखने लगती है। इसके अतिरिक्त मॉन्कफिश की त्वचा पर एक ऐसा डिजाइन होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह मछली कोई कीड़ा है। जब कोई अन्य समुद्री जीव इसे कीड़ा समझकर इसे खाने आता है तो ये उस पर हमला कर देती है और उसे अपना शिकार बनाती है। अगला रंग बदलने वाला जीव है फ्लावर स्पाइडर। फ्लावर स्पाइडर फूल पर बैठने वाला एक कीड़ा है, जिसमें रंग बदलने की अद्भुत क्षमता होती है, जो इन्हें शिकारियों से खुद को बचाने में मदद करने के साथ साथ औरों का शिकार करने में भी मदद करता है। यह फ्लावर स्पाइडर जिस फूल पर बैठता है उसी फूल के रंग के अनुसार खुद का रंग बदल लेता है, हालांकि उसमें यह रंग बदलने की प्रक्रिया प्रकाश में परिवर्तन के कारण होती है। अगला रंग बदलने वाला जीव ग्लास स्क्विड है। यह समुद्री जीव है। इसका शरीर पारदर्शी होता है, मतलब शीशे जैसा होता है। इसके शरीर के आर पार रोशनी गुजर जाती है। हालांकि यह स्वयं तो रंग नहीं बदलता है, परंतु रोशनी के प्रभाव में आकर यह अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। इसीलिए इसे भी हम रंग बदलने वाले जीवों की कैटेगरी में रख सकते हैं। जब रोशनी इनके शरीर के आर पार गुजरती है तो इनका रंग बदलता है, जिससे ये अपने शिकारियों को आसानी से धोखा दे पाते हैं। अगला रंग बदलने वाला जीव है लूपर। यह एक तरह का कीड़ा है जो रंग बदलने में माहिर है। यह अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से खुद का रंग बदल सकता है। जब यह पत्तियों पर बैठता है तो यह पत्तियों के रंग में बदल जाता है, और जब यह पेड़ों की शाखा पर बैठता है तो उसी पेड़ की पतली शाखा की तरह लगता है। रंग बदलकर खुद को अपने आसपास के माहौल में मिला लेने से यह स्वयं को शिकार होने से भी बचा पाता है। अगला रंग बदलने वाला जीव है फ्लॉन्डर। फ्लॉन्डर रंग बदलने के लिए पूरी तरह से अपने आंखों की दृष्टि पर निर्भर करता है। वैसे तो फ्लॉन्डर भूरे रंग के होते हैं, लेकिन वे अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल सकते हैं। फ्लॉन्डर स्वयं का रंग बदलने का कार्य अपनी आंखों से करते हैं। जब कोई फ्लॉन्डर एक नए वातावरण में पहुंचता है तो उसके आंखों में मौजूद रेटिना उस वातावरण में मौजूद रंग को ग्रहण करती हैं, और फिर उसकी आंखों से देखा जाने वाला रंग उसकी कोशिकाओं में पहुंचता है और उसकी कोशिका आसपास के सतह के रंग में बदल जाती है। तो अंत में दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन जीवों के बारे में जानकर आश्चर्य जरूर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट टाइम।